बिहार में नई पार्टी जन सुराज पार्टी ने भी ऐलान किया है कि इन चारों सीटों पर हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे, कि एनडीए इसके लिए पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है। इसमें दाव नीतीश कुमार का भी फंसा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पक्की खबर के साथ एक बार फिर से आप सभी दर्शकों के बीच हम हाजिर हैं। बिहार के चार सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहे हैं। कल से यानी 18 अक्टूबर से इन चारों सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बाद आएगा 13 नवंबर, इसमें छठ दिवाली के बाद महापर्व उपचुनाव बिहार में शुरू होने जा रहा है। और ये महापर्व 2025 के जो विधानसभा के चुनाव हैं उसे लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है। बिहार में दो गठबंधन हैं, एक तरफ महागठबंधन, दूसरे तरफ एनडीए, और अब बिहार में नई पार्टी जन सुराज पार्टी ने भी ऐलान किया है कि इन चारों सीटों पर हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे। तरारी के लिए जन सुराज ने एसके सिंह, जो लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, उनको उतार दिया है। बाकी की जो तीन सीटें हैं वहां पर अभी तक सब कुछ फाइनल नहीं हुआ है। वहां के लिए कैंडिडेट का चुनाव प्रशांत किशोर कर रहे हैं। कल लेफ्टिनेंट जनरल को उन्होंने आगे किया और उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस में दिखाया कि 23 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा उसमें परिणाम पता चल जाएगा। सवाल ये है कि एनडीए के लिए ये रास्ता कितना आसान है। कहा तो ये जा रहा है कि एनडीए इसके लिए पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है। इसमें दाव नीतीश कुमार का भी फंसा है। चिराग पासवान तो खैर यहाँ पर अपना कैंडिडेट नहीं उतार रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान प्रचार प्रसार के लिए जाएंगे। इसके अलावा जीतन राम मांझी की भी एक सीट है और इस सीट पर भी वो चाहते हैं कि अपनी दावेदारी हम पेश करें। उनके परिवार से कोई एक व्यक्ति जो है वो आएगा, चुनाव लड़ेगा। उनके परिवार के व्यक्ति का नाम भी हम आपको बता देते हैं, दीपा मांझी हैं, वो चुनाव वहाँ से लड़ेंगी। ये फाइनल है, अंदर अंदर सब कुछ तय हो चुका है। लेकिन सवाल ये है कि एनडीए क्या वहाँ पर जीत दर्ज कर पाएगी। कुछ आंकड़े जो लगातार हम आपको समझा रहे हैं, एक बार फिर से वही आंकड़े समझाने के लिए फिर से बैठे हुए हैं। 2020 की परिस्थितियों को, 2024 में क्या होने वाला है उपचुनाव में, इसके अलावा 2025 में क्या होगा, ये सभी आंकड़े एक एक करके हम आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले चार सीटों पर जो चुनाव हुए हैं, पिछली बार कौन था, इस बार कौन आएगा, इसकी जो संभावनाएं जताई जा रही हैं वो हम आपको बता देते हैं। शुरुआत करते हैं इमामगंज से। इमामगंज चूँकि जीतन राम मांझी का ये गढ़ है और गया लोकसभा सीट से जीतन राम मांझी 2024 में चुनाव लड़े थे, तो ये सीट अब खाली हो चुकी है, तो इसके लिए वहाँ पर चुनाव हो रहा है। मांझी परिवार से दीपा मांझी, जो संतोष मांझी की पत्नी है, जो बिहार सरकार के मंत्री भी हैं, उनको लड़ाया जा रहा है। इंडिया गठबंधन से ये सीट आरजेडी का है, तो उदय नारायण चौधरी पिछली बार चुनाव लड़े थे 2020 में और जीतन राम मांझी से काफ़ी टक्कर की लड़ाई हो गई थी, लेकिन उदय नारायण चौधरी इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके जगह पर कोई और व्यक्ति आएगा। चूँकि उदय नारायण चौधरी अब क्या है वहाँ पर कि 2025 का विधानसभा का चुनाव वो लड़ना चाहते हैं और कोई सुरक्षित सीट वो खोजना चाहते हैं। हालांकि ये भी सुरक्षित सीट है, ये भी रिजर्व सीट है, तो उदय नारायण चौधरी का इंटरेस्ट यहाँ से ख़त्म हो चुका है। उदय नारायण चौधरी यहाँ से नहीं लड़ेंगे, ये लगभग तय है। और इस वजह से तेजस्वी यादव जो हैं इस सीट पर कोई नया कैंडिडेट खोजने की तलाश में लगे हुए हैं। वहीं जनसुराज से अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। जनसुराज से भी यहाँ पर कोई, जो चूँकि रिजर्व सीट है, तो कोई वैसा ही व्यक्ति उतारेंगे जो अगर जीतन राम मांझी का दावेदारी यहाँ पर मजबूत होता है तो उससे सीधी लड़ाई हो जाएगी जनसुराज की। क्योंकि इंडिया गठबंधन में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार किसे वो यहाँ से लड़ाते हैं। चर्चा तो ये भी है कि जमुई में जो चुनाव लड़ी हैं, पूर्व में लड़ी थी लोकसभा का चुनाव जो थी, रविदास, अर्चना रविदास, इनको लड़ाया जा सकता है, ऐसी संभावनाएँ जताई जा रही हैं इंडिया गठबंधन से आरजेडी में। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इमामगंज में जनसुराज से सीधी टक्कर हो सकती है। हालांकि ये सब कुछ संभावनाएं हैं, एक दो दिन के अंदर में सब कुछ तय हो जाएगा। बेलागंज में अगर हम आएँ तो बेलागंज की अगर बातचीत करें तो यहाँ पर चूंकि मनोरमा यादव के बेटे रिक्की यादव की चर्चा चल रही थी, ये जदयू का सीट है एनडीए गठबंधन में, तो नीतीश कुमार भी इस जगह पर, चूँकि मनोरमा यादव उनके परिवार पर अभी कुछ मामले चल रहे, इस वजह से यहाँ पर वो नहीं उतारेंगे। यहाँ पर भी कोई ऐसा व्यक्ति जो है वो यहाँ से उतरेगा और उतर
करके शायद यहाँ पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा होगा। अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन की, तो यहाँ पर सुरेंद्र यादव, चूँकि अब सुरेंद्र यादव क्या है, यहाँ पर वो चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा का, तो यहाँ पर वो अब जीत चुके हैं, तो इनके बेटे की चर्चा यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर कोई बेटा, उनका बेटा उतरेगा या फिर किसी और कैंडिडेट को देंगे। और जनसुराज की बातचीत करें तो यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट एक दिया जा सकता है। और बेलागंज में एक चर्चा है कि बेलागंज की सीट शायद जो जनसुराज की है वो निकल सकती है। अब बात आती है यहाँ पर रामगढ़ की। रामगढ़ में जो सुधाकर सिंह के भाई हैं अजीत सिंह, उनकी चर्चा है। रामगढ़ की अगर बातचीत करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन से पूर्व में जो बीजेपी से लड़े हैं अशोक सिंह, उनकी चर्चा है, या नहीं तो फिर बीजेपी किसी नए कैंडिडेट को यहाँ पर लड़ाएगी, उतार सकती है। इंडिया गठबंधन में चूंकि ये आरजेडी का सीट है, तो यहाँ पर सुधाकर सिंह के भाई जो हैं अजीत सिंह, उनकी चर्चा है, सब कुछ फाइनल है कि वो यहीं से लड़ेंगे। अब चर्चा ये है कि जनसुराज यहाँ पर किसे उतारेगा, तो आनंद मिश्रा चूंकि पूर्व में लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, तो आनंद मिश्रा पर शायद दाव जनसुराज खेल सकती है। लेकिन आनंद मिश्रा चाहते हैं कि 2025 का चुनाव वो सीधी लड़ाई लड़े, 12 महीने वो क्यों लड़ेंगे, लेकिन ये भी चर्चा है कि 12 महीने अगर वो अपना कार्यकाल दिखा देंगे, चूंकि पूर्व में लड़े नहीं हैं, उनका जो राजनीतिक करियर है वो शुरुआत में एक मौका मिल सकता है उनको, तो 12 महीने में अगर वो कमाल दिखा देते हैं तो शायद आनंद मिश्रा रामगढ़ में इस बार कुछ कमाल कर दिखाएंगे। हालांकि अभी भी कहना सब कुछ, मतलब लगभग ये कयास है कि सुधाकर सिंह के भाई भी, चूंकि ये रामगढ़ का सीट जो है, रामगढ़ से पूर्व में सुधाकर सिंह जीते हुए हैं, तो रामगढ़ का सीट जगदानंद सिंह और उनके परिवार का पकड़ जो है वहाँ पर मजबूत है, वो वहाँ पर पकड़ मजबूत होने की वजह से उनके भाई वहाँ से लड़ेंगे तो शायद जीत जाएंगे। आनंद मिश्रा कितना दबदबा कायम रख सकते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अब बात आती है तरारी की, तो तरारी में यहाँ पर देखिए एनडीए से सुनील पांडे के बेटे जो हैं वो यहाँ पर लड़ेंगे। और इंडिया गठबंधन से कौन लड़ेगा, तो इंडिया गठबंधन से अभी यहाँ पर तरारी में तय नहीं हुआ है। और तरारी में एसके सिंह चूँकि जनसुराज से हैं, एसके सिंह तो इनका लगभग तय है और वो उतर भी चुके हैं अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए। तो ये चार सीटों में संभावित जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, उनकी अब हमने चर्चा कर दी है। और एनडीए के लिए कैसे ये मुश्किल हो सकता है, तो चलिए थोड़ा सा विस्तार से हम आपको बता देते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में इस चारों सीटों पर जो प्रत्याशी थे राजद के, मतलब एनडीए गठबंधन के, इन चारों सीटों पर करारी हार हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो तरारी की सीट है, रामगढ़ की सीट है, इमामगंज की सीट है, बेलागंज की सीट है, इन सभी जगहों पर महागठबंधन लीड में रहा है। सभी जगहों पर लगभग राजद का ही दबदबा रहा है। और एनडीए अगर जीतन राम मांझी का एक सीट यहां पर है तो वो खुद के अपने क्षेत्र में उनको वोट काफ़ी कम आया है, मार्जिन काफ़ी कम है, तो इस वजह से एनडीए के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए 2020 के विधानसभा चुनाव और 24 लोकसभा चुनाव की, ये चारों सीटों राजद जो एनडीए गठबंधन की हार जीत हुई है, इसमें अगर देखा जाए तो महागठबंधन का इसमें पलड़ा भारी दिख रहा है। चार सीटों पर प्रशांत किशोर अगर अपनी पार्टी का मतलब उतार देते हैं तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा एनडीए के लिए, चूँकि सभी जगहों से जनसुराज जो है वो शायद वोट नीतीश कुमार का काट ले, और काटेगा तो फिर इसमें भारतीय जनता पार्टी भी डैमेज होगी। अगर देखा जाए तरारी में निर्णायक वोट बैंक इस बार है, आरा संसदीय क्षेत्र का तरारी है विधानसभा सीट, जहां पर जनसुराज पार्टी ने पहले ही स्वर्ण समुदाय के एक राजपूत एसके सिंह, मैंने जिनकी चर्चा की है, लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं वो, उनको लड़ा दिया है, जिस वजह से यहाँ पर परेशानी बढ़ गई है। अब इस सीट पर प्रत्याशी देने का मन तो बना चुके हैं वो, भाजपा अब किसे देगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। मैंने बताया कि जो सुनील पांडे, उनके बेटे की चर्चा चल रही है। रामगढ़ की भी लड़ाई आसान नहीं है। बक्सर संसदीय क्षेत्र में आने वाला रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र लोकसभा 2024 चुनाव में भाजपा प्रत्याशी पर राजद ने 10,000 मतों से बढ़त बनाई थी। 1985 से इस सीट पर राजद का दबदबा रहा है। मैंने बताया ही आपको कि ये सीट जो है वो राजद का गढ़ रहा है, चूँकि जगदानंद सिंह और उनके पूरे परिवार का दबदबा रहा है इस सीट पर, तो इस वजह से ये भी आसान नहीं है। इमामगंज में मांझी की प्रतिष्ठा दांव पर है। मैंने पहले ही बताया कि इमामगंज में जीतन राम मांझी का इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में यहाँ पर लीडिंग में नहीं थे।
आपको बताया कि औरंगाबाद के लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाला इमामगंज विधानसभा सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी सुनील सिंह की हार हुई। इस सीट पर हम के विधायक एवं वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी विधायक जीतते रहे हैं, लेकिन अब की बार लोकसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा को मुंह की खानी पड़ी थी। 2628 मत से इस सीट पर सुनील पांडे की हार भाजपा के साथ एनडीए के लिए बड़ा संदेश है। हालांकि इस सीट पर जीतन राम मांझी के त्यागपत्र से ये पद रिक्त हुआ है, और मैंने पहले ही बताया कि ये सीट पर जीतन राम मांझी लीड नहीं कर पाए थे। बेलागंज में गया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ये जो सीट है बेलागंज, इसमें राजद का दबदबा रहा है और छः विधानसभा चुनाव में राजद के सुरेंद्र प्रसाद यादव की जीत हुई है। 2010 विधानसभा चुनाव में जब राजद महज 22 सीट ही जीता था, उस चुनाव में जब एनडीए 22 सीट जीता था उस चुनाव में सुरेंद्र यादव विजयी रहे थे। इस सीट को लेकर एनडीए को बहुत उम्मीद है। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान राजद को इस सीट से हम प्रत्याशी से 2546 वोट से बढ़त मिली थी। बेलागंज की सीट पर भी कहीं ना कहीं ये चार सीटें जो हैं, इन सीटों पर भी जो स्थिति है एनडीए गठबंधन की बहुत मजबूत नहीं है। हालांकि अभी मैं कहूंगा कि नीतीश कुमार चाहेंगे कि इस सीट पर, चूंकि एक सीट जो है उनका जदयू का, वो सीट पर वो चाहेंगे कि भाई हमारा कोई प्रत्याशी जीते वहां से, इस वजह से वो लगे हुए हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस पर नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं, क्या चिराग पासवान की बढ़ती कद यहाँ पर कमाल दिखा पाएगी। अगर इतना आप समझ लीजिए कि चिराग पासवान का बढ़ता हुआ कद इन चारों सीटों पर अगर कमाल दिखाता है, चूँकि जीतन राम मांझी के क्षेत्र में जब लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान गए थे प्रचार प्रसार करने के लिए, तब कहीं ना कहीं चिराग पासवान की टीम ही ज़्यादा सक्रिय थी और चिराग पासवान की टीम के वजह से ही जीतन राम मांझी वहाँ पर जीत पाए थे। और इस वजह से उपचुनाव में चिराग बड़े फैक्टर हैं और चिराग इन चारों सीटों पर चाहे तो लीड दिला सकते हैं, और यहां से फिर शुरू हो जाएगा उनका 2025 में टिकट के बारगेनिंग का पूरा मामला। और इस वजह से देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्या होता है, लेकिन इन चार सीटों पर मैंने समीकरण के हिसाब से समझाया और इतना तो तय है कि एनडीए काफ़ी परेशान है इन चार सीटों पर कैसे जीत दिलाना है। क्या लगता है आपको, अपनी राय कमेंट में रखिएगा। देखते रहिए भारत लाइव, पक्की खबर लगातार हम आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।